अगर फूल की बात की जाए तो इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। ये पेटल है, ये जो बीच में है ये पोलन ट्यूब है, और जो साइड में दिख रहा है आपको एंथर, ये दो तरह के होते हैं मेल और फीमेल, स्टैमन और पिस्टल। तो जब ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है तब जाके हमारे फूल की सेटिंग होती है। तो फ्रूट सेटिंग पोलन ट्यूब पर ही निर्भर करती है, पोलन ट्यूब जितने ज़्यादा देर तक खुली रहेगी, एक्टिव रहेगी, तो उतने ज़्यादा चांसेस है फ्रूट सेट होने के। तो इसीलिए हम इसमें स्प्रे करते हैं बोरिक एसिड की, बोरिक एसिड पोलन ट्यूब को खुला रखने में सक्षम है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोर्चिला हाइट। मोर्चिला हाइट में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात होने वाली है पिंक बर्ड पे कौन सी स्प्रे की जाए, क्योंकि इस बार स्थिति कुछ ऐसी बनी है, कहीं पे फ्लावरिंग होगी है, कहीं पे पिंक बर्ड है, कहीं अभी टाइट क्लस्टर चल रहा है, कहीं हाफ इंच ग्रीन टिप चल रही है, सेम एलिवेशन में इस तरह की दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में किस तरह की स्प्रे की जाए, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है, तो बने रहे अंत तक। तो इसमें बात होगी पिंक बर्ड स्टेज, यहाँ पे जो हमारे स्प्रे का रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वो कौन सी स्प्रे हो सकती है, तो यहाँ पे हमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी देने की ज़रूरत है, इसके साथ फंगीसाइड। तो ये तमाम तरह की चीज़ें किस तरीके से हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो हमारे पास वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर हमें क्या करना है, हमें अपनी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है, कम से कम खर्च में हमें एक इफ़ेक्टिव स्प्रे करनी है। तो इसके लिए जो सबसे पहला विकल्प है वो है बोरिक एसिड, यूरिया, और इसके साथ हम या तो रोको, बेबिस्टिन और स्कोर, ये तीन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इनमें से कोई भी एक, अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो स्कोर ही करें, उसके साथ फिर कोई और मिक्स ना करें, कोई भी फंगीसाइड, या रोको कर रहे तो रोको ही करें, क्योंकि कई बार बहुत सारे दवाइयों की मिक्सिंग से रस्टिंग जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए हमें ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं करना है। तो इसके साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो 11, 24, 36 या 12, 61, अभी इसके लिए भी अलग अलग सिचुएशन है, क्योंकि अगर मौसम साफ है, बिल्कुल वेदर एकदम फेवरेबल है, तो तब तो हम बोरिक एसिड, यूरिया और फंगीसाइड से भी काम चला सकते हैं, और बगीचों में पॉलिनेशन के लिए अगर पॉलिनेटर ऑन है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। पर अगर एडवर्स कंडीशन है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत है। बोरिक एसिड तो कॉमन रहने वाला है, क्योंकि बोरिक एसिड का जो मुख्य रोल है वो है पोलन ट्यूब, क्योंकि हमारे फूल में पोलन ट्यूब है, जिससे कि हमारे फूलों का पॉलिनेशन होता है, उसमें जो रिसेप्टर लगे होते हैं वो परागकणों को इकट्ठा करके अपने अंदर जहाँ पे बीजों का निर्माण होता है वहाँ तक पहुँचाते हैं परागकणों को। तो पोलन ट्यूब का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो बोरिक एसिड से बेहतर कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि बोरिक एसिड और बोरॉन, इन दो चीज़ों में भी कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि बोरॉन घोलने में आसान रहता है इसलिए बागवान इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि बोरिक एसिड थोड़ा सा घोलने में मुश्किल है, पर ये ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि बना तो भी बोरॉन से ही है, पर इसमें कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे जो पोलन ट्यूब है उसकी लाइफ को लॉन्ग करते हैं, और पोलन ट्यूब को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसकी लेंथ में भी असर देखने को मिलता है, मतलब उसकी लेंथ को भी ये इंक्रीज करते हैं काफ़ी हद तक। पोलन ट्यूब जितनी ज़्यादा देर तक खुली रहेगी परागण उतना लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि दिक्कत ये आती है जब पाला वगैरह पड़ता है या बारिश होती है तो पोलन ट्यूब ख़राब हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रूट सेटिंग में दिक्कत आती है। तो अब यहाँ पे हम अगर, तो मौसम साफ है, क्लियर है बिल्कुल, तब तो हम यूरिया, बोरिक एसिड और फंगीसाइड से काम चला सकते हैं। पर अगर और समस्या, जैसे फूल देख रहे हैं आप इस साल कुछ कमज़ोर फूल देखने को मिल रहे हैं बगीचों में छोटी डंडी के, तो वहाँ पे हम 12-61 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यूरिया को हम स्किप कर देंगे, फिर हम 12-61 करेंगे, क्योंकि 12-61 में नाइट्रोजन और फास्फोरस है। फास्फोरस से क्या होगा ये मैं आपको दिखाने से होगा, जैसे ये आप देख पा रहे इधर, अगर आपका जो फूल की जो डंडी है उसका साइज़ छोटा है, तो 12-61 जब हम इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे, तो जो ये पत्तियां हैं ये 24-48 घंटे तक इनका विकास रुक जाएगा, इनके जो कार्य करने की क्षमता है वो थोड़ी धीमी पड़ जाएगी, जिससे कि हमारा जो ये फूल है, जो इसकी डंडी है, ये बूस्ट हो जाएगी, सारी एनर्जी इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये स्ट्रांग फूल बनेगा। तो 12-61 का तो मुख्य तौर पर यही रोल रहता है। ये हम सिर्फ उस कंडीशन में यूज़ करेंगे जहाँ पर फ्लावर का साइज़, जो डंडी का साइज़ है फूल की, वो वीक है और छोटा है, मतलब तो 12-61 वहाँ पे यूज़ किया जाएगा जहाँ पे फ्लावर की जो डंडी है उसका साइज़ छोटा है, फूल कमज़ोर निकल रहा है, तो वहाँ पे 12-61 यूज़ करेंगे। बाकी अन्य कंडीशन में हमारे पास जो ऑप्शन है, अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये तो काफ़ी हेल्दी फूल है,
और डंडी का साइज़ भी आप देखेंगे तो ठीक ठाक ही है। तो इस सिचुएशन में तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर जहाँ पे फूल वीक है वहाँ पे हम 12-61 कर सकते हैं यूरिया की जगह। और दूसरा अगर बात की जाए तो 11-24-36 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। पोटाश का जो मुख्य रोल है, फ्रॉस्ट से बचाएगा पोटाश हमें, पोटाशियम नाइट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं हम, ये हमें फ्रॉस्ट से बचाएगा, यानी कि जो पाला पड़ने की समस्या है उससे ये बचाएगा, हमारे जो फूल है उसकी लाइफ को ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है जिससे कि पाले से बचा जा सकता है। क्योंकि इस साल देखा जा रहा है तमाम जगहों से, जहाँ से भी अभी सुनने में आया कि फूल कम है, तो ऐसे में हमें इन्हीं से फसल लेने की ज़रूरत है, तो पॉलिनेशन पे भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अगर तो पॉलिनेटर बगीचों में ऑन है तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहने वाली है, बट अगर पॉलिनेटर नहीं है बगीचों में तो मुश्किल आ सकती है। ऐसे में हम हैंड पॉलिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन में क्या होता है, जैसे हम एक मिशन का सहारा लिया जा सकता है, ये जैसे कि ये फूल है, गोल्डन का फूल है, और ये जो यहाँ पे ये है रॉयल का, तो हम इस तरीके से हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं, इससे भी पॉलिनेशन में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। वैसे तो अभी मौसम ठीक है, मधुमक्खियाँ चल रही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहने वाली है पॉलिनेशन में। दिक्कत आती है अगर एडवर्स कंडीशन है, बारिश हो रही है, पाला पड़ रहा है, तो वहाँ पर हमें दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में हम और क्या ऑप्शन है हमारे पास, 12-61 का यूज़ करेंगे हम, अगर फूल का साइज़ छोटा है, कमज़ोर फूल है, तो 12-61 वहाँ पर यूज़ करेंगे। पाले की समस्या है, अगर आपको लग रहा है बारिश हो रही है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पोटाशियम नाइट्रेट का। बाकी इसके अलावा हम बायो स्टिमुलेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बायो स्टिमुलेंट जिसमें एल्गी और पोटाश हो, तो ये काफ़ी बेहतर है। एल्गी एक ऐसा जीव है जो कि समुंदर की गहराई में, ठंडे पानी में, बिना सनलाइट के रहता है, तो वो कुछ, इनको हिंदी में शैवाल कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि प्रकाश संश्लेषण में जो सेल होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण को ऑब्जर्व करते हैं, उसी तरह से ये भी काम करते हैं। तो जब बारिश वाला मौसम है, एडवर्स कंडीशन है, तो वहाँ पे हम बायोस्टिमुलेंट का इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण को सक्रिय बना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे परजीवी है जो ठंड में और बिना सनलाइट के जीवित रहते हैं, तो ये हमारे जो फ्लावर की लाइफ है उसको काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल है। वैसे तो पॉलिनेशन का सबसे जो बेहतरीन सोर्स है वो तो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए किस तरीके से मधुमक्खियाँ अपना काम कर रही है, काफ़ी अच्छे फूल खिले हैं आज, क्योंकि धूप है आज, तो बढ़िया मौसम जा रहा है अभी फ़िलहाल। तो ऐसे में तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ हम कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये तमाम चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं पिंक बर्ड पर, या तो हमने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में अगर जिंक कैल्शियम का इस्तेमाल किया है तो अभी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिंक क्या काम करेगा, ये जो नए शूट्स निकलते हैं इनको ग्रो करने में हेल्पफुल है, प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करेगा। बाकी बोरॉन के बारे में आपको बता दिया, जो कि ये यहाँ पर दिख पा रहे हैं आप, ये पोलन ट्यूब है, ये जो इसके ऊपर देख रहे हैं पंखुड़ियाँ, ये रिसेप्टर होते हैं जो पोलन को इकट्ठा करते हैं। एक ये देख पा रहे हैं आप, ये एक फ्लावर है यहाँ पे, इसके जो ये बीच वाला पोर्शन है ये है पोलन ट्यूब, और जो ये इसके नीचे वाला पोर्शन है ये ओवरी है, जहाँ पे कि बीज का निर्माण होता है, जहाँ से फ्रूट बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये कुछ इस तरह का काम करता है। तो बोरिक एसिड की जब हम स्प्रे करेंगे पिंक बर्ड पे, तो ये पोलन ट्यूब को खुला रखने में हेल्पफुल है। बायो स्टिमुलेंट कैसे काम करेगा, बायो स्टिमुलेंट जब बारिश का मौसम है, हम जब बायो स्टिमुलेंट की स्प्रे करेंगे तो वो फूल को जीवित रखेगा, जो ये पोलन ट्यूब है इसको ओपन रखेगा, मतलब इसकी लाइफ को इंक्रीज कर देगा, हफ्ते तक भी ये इंक्रीज हो सकती है इसकी लाइफ। तो जो भी, वैसे तो 24 घंटे में फ्रूट सेट हो जाता है, अगर अच्छी कंडीशन है, अच्छा मौसम चल रहा है, प्रॉपर पॉलिनेशन है बगीचों में, तो 24 से 48 घंटे में फ्रूट सेट हो जाता है। बट अगर बारिश का मौसम है तो वहाँ पे हमें चाहिए थोड़ा सा टाइम, तो बायो स्टिमुलेंट का यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे कि हमारे फूल की लाइफ लॉन्ग होगी। तो ये देख सकते हैं आप, इस बार थोड़े कम फ्लावरिंग है, कम फूल निकले हैं, पर अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो इसमें भी अच्छी खासी फसल ली जा सकती है। मैं अगर अपने बगीचे की बात करूं तो ये ऑफ ईयर है, वैसे इस साल, लास्ट ईयर बहुत हैवी क्रॉप थी, तो काफ़ी कम फूल नज़र आ रहे हैं।
और फिर में जो ज़्यादा फूल निकले वो निकले जो ये छोटी पिन हमने छोड़ी हुई थी, इसमें ज़्यादातर फूल निकले हैं। और इसका एक और बेनिफिट भी है, ऑफ ईयर में यही हमारे पास एक फ्रेश बीम्स है। ऑफ ईयर में सबसे स्वस्थ बीमा है ये, इसमें जो फ्रूट लगेगा उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, सैप का जो फ्लो है वो डायरेक्ट होगा। क्योंकि जो हमारे पुराने बीमे होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें ये बीच बीच में ये रिंकल से होते हैं जिससे कि सैप का फ्लो रुक रुक के आगे बढ़ता है, जिससे कि फ्रूट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। आज तो काफ़ी मात्रा में मधुमक्खियाँ अपना काम कर रही है, तो ऐसे में तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर एक दो दिन में जो मौसम ख़राब होने वाला है तो उसकी तैयारी हम कर सकते हैं अभी से, क्योंकि जो भी बागवान भाई एक दो दिन में स्प्रे करने वाले हैं पिंक बर्ड के लिए तो वो पोटेशियम नाइट्रेट उसमें ज़रूर डालें जिससे कि पाले की समस्या से भी बचा जा सकता है। अगर मौसम ठीक रहता है तो ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल स्प्रे करें। बागवानी विभाग द्वारा जो स्प्रे शेड्यूल जारी किया गया है उसी को फॉलो करें, उसके अलावा ऊटपटांग चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा केमिकल की मिक्सिंग ना करें क्योंकि ये रस्टिंग आती नहीं, हम इसको खुद बढ़ावा देते हैं, दो तीन तरह की दवाइयाँ मिक्स कर देते हैं जिससे कि पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इस तरह की गलतियाँ ना करें, नॉर्मल स्प्रे करें, टाइम पर स्प्रे करें। और जिन बागबान भाइयों के इस बार फूल कम निकले हैं तो वो भी स्प्रे समय पर करें, क्योंकि ये ना सोचे कि इस साल पत्ते हैं तो स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस साल पत्ते बचाएंगे तो अगली साल की जो फसल है वो काफ़ी अच्छी होगी। अगर इस साल भी आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आने वाले साल में फिर से यही दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि जो ये दिक्कत है इस साल फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो लास्ट ईयर जो लीफ फॉल था वो बहुत जल्दी हो गया था, अल्टरनेरिया और मार्सोनीना ने कहर मचा दिया था, बरसात का जो समय था 3-4 महीने बरसात थी, स्प्रे का भी टाइम नहीं मिल पाया, पौधे स्ट्रेस में चले गए थे जिसकी वजह से बीमे नहीं बने और फ्लावरिंग बहुत कम हुई है। दूसरा, सर्दियों के मौसम में जनवरी में पूरा ड्राई था जिसकी वजह से चिलिंग आर कम्प्लीट नहीं हो पाए हैं, चिलिंग आर पूरे नहीं हुए तो डोरमेंसी ब्रेक होने में समय लग रहा है, क्योंकि कहीं पे फूल है, कहीं पे पिंक बर्ड है, कहीं टाइट क्लस्टर है, कहीं अभी हाफ इंच ग्रीन टिप है। तो ये जो भी फ्लक्चुएशन है ये सारी इसी वजह से है, जब चिलिंग आर कम्प्लीट होते हैं तो आपका जो बर्ड ब्रेक है वो समय पर होता है, फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और फूल अच्छे निकलते हैं। तो चिलिंग आर की जो कमी है अब उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता। चिलिंग आर्स की जो रिक्वायरमेंट है जब वो पूरी हो जाती है तो ऑटोमेटिक ही हमारे पौधों में फूल निकलना शुरू होते हैं, पत्तियां निकलनी शुरू होती है। इस साल अब जितने भी फूल है मैं इसी से फसल लेनी है, इसी में अच्छे से न्यूट्रिशन को बैलेंस करना है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं ये, तो इस साल हमें इन्हीं फूलों से फसल लेनी है और इसके लिए हमें अच्छे से पॉलिनेशन करना होगा। हैंड पॉलिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप फिर पॉलिनेटर लगा के वो जो काट के लगाते हैं पानी में, आर्टिफिशियल पॉलिनेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बगीचों में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेटर लगाएं, कलमें लगाएं, तभी इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। बिना पॉलिनेशन के दवाई भी कोई काम नहीं करेगी, ये बात तो तय है कि परागण तो होना ही चाहिए बगीचों में, तभी फ्रूट की सेटिंग होगी, बाकी आप जितनी मर्जी दवाइयाँ कर ले उससे कुछ नहीं होने वाला। और ज़्यादा पैसा व्यर्थ में बर्बाद ना करें, ज़रूरत है तभी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो ये देख पा रहे हैं आप, काफ़ी कम फूल निकल रहे हैं, पत्तियाँ ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया ये इस साल ऑफ ईयर है। वैसे अगर थ्रू आउट बात की जाए ओवरऑल तो ये ऑन ईयर है, क्योंकि लास्ट ईयर प्रोडक्शन काफ़ी कम थी, पर मैं अपने बगीचे की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये ऑफ ईयर है, तो ऑफ ईयर में काफ़ी कम है फूल, देख पा रहे हैं आप, बहुत रेयर फूल निकला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये तो काफ़ी अच्छे फूल हैं। तो मैं अगर अपने बगीचे की बात करूँ तो इस साल बोरिक एसिड, यूरिया और बायोस्टिमुलेंट
इसके साथ बेबिस्टीन का इस्तेमाल किया है, तो ये आप देख सकते हैं जो फूल निकले वो हेल्दी है, और अभी जो मौसम है वो भी ठीक है बिल्कुल, 3-4 दिनों से लगातार धूप है तो रिज़ल्ट आपके सामने ही है। ऐसा नहीं है कि यूरिया और बोरिक एसिड से कोई दिक्कत है या महंगी दवाई करके ही अच्छे फूल निकलेंगे, ऐसा नहीं है। पर यह है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हमें कुछ एक चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एडवर्स कंडीशन को फेवरेबल बनाने के लिए, क्योंकि पूरी तरह से हम मौसम पर भी डिपेंड नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो हमें भी एफर्ट्स करने ही होंगे, तो ज़रूरत के हिसाब से ही पैसा खर्च करें, व्यर्थ में किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बोरिक एसिड सबसे ज़रूरी है, वो ज़रूर आप डालें इस समय पर, कुछ लोग बोरान भी डालते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। वैसे जो बोरिक एसिड है वो सबसे बेस्ट है, रिजल्ट आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप। कुछ प्लांट्स में अच्छी फ्लावरिंग है, कुछ में फिर आप देख पा रहे हैं एक ही जगह पे इस तरह का दृश्य है, ये प्लांट पूरा खाली है, इक्का दुक्का फूल नजर आ रहे हैं। जिन पेड़ों में लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा क्रॉप थी उनमें भी कम फूल निकले, और जहाँ जो पतझड़ की चपेट में आ गए थे उन पेड़ों में ये दिक्कत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बाकी जो भी दवाइयाँ हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी आपके बगीचों की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही स्प्रे करें। और साथ में ये भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आप कि आपके वहाँ पे कौन सी स्टेज चल रही है और किस तरह के फ्लावरिंग है इस साल। इस साल जो फ्लावरिंग नहीं हो पाई है इसकी जो मुख्य वजह है, एक तो है चिलिंगार्स, दूसरा है जो लास्ट ईयर अर्ली लीफ फॉल हो गया था, ये दो मुख्य वजह है जिस वजह से इस साल फूल कम देखने को मिले हैं, तो हमें अपने पत्तों को बचाना होगा। जब हमारे पत्ते स्वस्थ रहेंगे एंड तक तो बीमा बनेगा ही बनेगा, तो इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तमाम तरह की प्रैक्टिस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्टिग्मा को एक्टिव रखना। स्टिग्मा की लाइफ जितनी लॉन्ग होगी उतनी अच्छी फ्रूट सेटिंग होने की संभावना है। जो भी हम स्प्रे कर रहे हैं वो सारा जो काम है वो स्टिग्मा के लिए ही हो रहा है, क्योंकि जो भी फ्रूट सेटिंग होनी है वो जब स्टिग्मा एक्टिव रहेगा, जितनी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होगी स्टिग्मा की उतना ज़्यादा समय मिलेगा हमें फ्रूट सेटिंग के लिए। अगर हमारा फूल ही ख़राब हो गया, स्टिग्मा बंद हो गया, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए जो हमारा मेन फोकस है वो स्टिग्मा को एक्टिव रखना है। इस्तेमाल करें तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।